When people say that it's relatable, I feel nice कि कम से कम you know मेरी performance लोगों को वैसे connect कर पा रही है, छू पा रही है. 1000 episodes हो गए हैं, पता ही नहीं चला 1000 episodes हो गए हैं. जब हमारा shoot हमने शुरू किया था first day, I remember, तब से लेकर अब तक we've all come such a long way. इनका बड़ा एक cute सा Tom and Jerry वाला जो एक moment चलता रहता है अधिक पाकी का, अधिक गलत है वो तो सब जानते ही हैं. ओके, वी ऑल नो दैट. अब मैं पाकी की फैमिली मेंबर हूँ, काव्या हूँ, तो डेफिनेटली मैं पाकी का साइड लूंगी. जो अधिक के फैमिली मेंबर्स होंगे वो अधिक का साइड लेंगे. दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द शो. हाय, थैंक यू टेलीचिस का. Well, that's the best part, you know, क्योंकि काव्या का जो रोल है वो इतनी सुंदर तरह से लिखा हुआ है एंड इट्स सो रिलेटेबल. यू नो, ये सारी चीज़ें हमारी रियल लाइफ में होती हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर हम ऐसे सिचुएशंस में होते हैं वेर इन अब जैसे काव्या का जो करंट सिचुएशन है, जो आप ट्रैक देख रहे हैं, इट इज़ रिलेटेबल. यू नो, लोगों ने सुना है कि ऐसा होता है, लोगों ने देखा है ऐसा होता है, लोग वैसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं. सो when people say that it's relatable, I feel nice कि कम से कम you know मेरी performance लोगों को वैसे connect कर पा रही है, छू पा रही है, and that's a blessing for me कि मुझे ऐसा एक role करने का मौका मिल रहा है जहाँ पर मुझे इतना कुछ अलग अलग करने का मौका मिल रहा है, लोगों का इतना प्यार मिलता है. you know it's the third year, touch wood, thu thu thu, and we're all very happy and we're very blessed. बस ऐसे ही चलता रहे, सब लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, that's all. जब हमारा शूट हमने शुरू किया था फर्स्ट डे, आई रिमेम्बर, तब से लेकर अब तक वी ऑल कम सच ए लॉन्ग वे. हम सब, नॉट जस्ट मी, यू नो एवरी एक्टर, एक एक्टर की तरह से उनकी लाइफ कितनी चेंज हुई है, जो पहले थी जो अब है. लोगों का जितना प्यार मिलता है, जितना हमें एडमिरेशन मिलता है लोगों को, आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अ ब्लेसिंग. यू नो वी वर ऑल चोजन, आई फील कि हम इस पाथ पर साथ में चलें अनुपमा में एज अ टीम. एंड थैंक यू राजन सर, थैंक यू द एंटायर टीम ऑफ अनुपमा जो हमारे साथ रहे हैं. एंड वी जस्ट होप दैट ऐसा ही हमेशा हमारा प्यार और सहन, एंड हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे हमें. जब पाखी को थप्पड़ पड़ा अधिक से, वेल आपने तो देखा है एपिसोड. अब मैं ज़्यादा कुछ रिवील तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इनका बड़ा एक क्यूट सा टॉम एंड जेरी वाला जो एक मोमेंट चलता रहता है अधिक पाखी का, अधिक गलत है वो तो सब जानते ही हैं. ओके, वी ऑल नो दैट. और बट यही तो होता है इसमें, कुछ सही गलत सबका एक अलग नज़रिया होता है. अधिक अपने नज़रिए से बिल्कुल सही है. अब मैं पाकी की फैमिली मेंबर हूँ, काव्या हूँ, तो डेफिनेटली मैं पाकी का साइड लूँगी. जो अधिक के फैमिली मेंबर्स होंगे वो अधिक का साइड लेंगे. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट द शो कि हर एक कैरेक्टर के साथ एक एक इंडिविजुअल अपनी तरह से कनेक्ट करता है. कोई सही चीज़ जिस जो किसी और को गलत लगे, वो उन्हें चीज़ सही लगती है, वो किसी और को गलत लगती है. तो इसमें किसने सही किया किसने गलत किया ये तो मैं नहीं कह पाऊँगी, लेकिन यही ज़रूर कहूँगी कि आगे जाके ये ट्रैक भी बहुत ही एंटरटेनिंग हो जाएगा. थैंक यू.